65 क्वेश्चन किए। कोई प्रश्न तो एग्जाम में आया आपका, तो मैथ का, रीजनिंग का, या जीएस का, या साइंस का, या करंट अफेयर का? क्या सर, कोई प्रश्न याद हो आपका जो एग्जाम में, मैथ में कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, रीजनिंग में कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं? रीजनिंग में सर सेटिंग अरेंजमेंट से था, और आपको नहीं याद है? चलिए ठीक है, धन्यवाद। भैया पेपर कैसा गया? पेपर बहुत अच्छा गया। कितना क्वेश्चन किए हैं? 73। कोई प्रश्न जो एग्जाम में आया आपको याद हो, मैथ का, रीजनिंग का, या जीएस का, या करंट अफेयर का? बहुत कुछ आया भट्टा गुरु जी। ये कुछ याद है आपको, बताएंगे? याद करके बता रहे हैं। आर्टिकल 21 ए आया था, 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए, ठीक, शिक्षा के लिए। गांधी जी का जन्म आया था, 150वीं वर्षगांठ का मनाया गया था। उसके बाद रीजनिंग में आया था, इनइक्वालिटी से आया था, 4 और क्वेश्चन आया था, सब ईजी था। और सेटिंग अरेंजमेंट आया था, 3 क्वेश्चन, वो भी बहुत ईजी था। इसके अलावा मैथ में कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं? मैथ में परसेंटेज से आ रहा था, मतलब अंकित मूल्य दिया था, उसके बाद 2 मतलब डिस्काउंट दिया था, एक था 8% और था एक पूछा था, उसका भी 8% आ रहा था, टोटल 64। साइंस में कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं ज़्यादा? साइंस में ज़्यादा डीप नहीं आता, रिस्पायरेटरी सिस्टम से आया था, एल वाला ही दिया था, वो भी क्या मतलब। या प्रश्न साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी कहाँ से आया? फिजिक्स से वही आया था, R1, R2, R3 टोटल प्रतिरोध निकालना था, और भी बराबर आई अर्थ निकालना था। बायोलॉजी कैसे प्रश्न थे? बायोलॉजी भी ईजी था। करंट अफेयर कितने देखने मिले हैं? करंट अफेयर 2020 का भी था, 21 का भी था। कितने मिले हैं देखने को? 7-8 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं। आप कितने प्रश्न किए? 70। कोई एग्जाम में जो प्रश्न आपको याद हो? जाय जी के का आया है क्वेश्चन, 1974 का आया हुआ है ये। मैथ में कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं? मैथ का है वही हाई स्कूल का आ रहा है, जैसे है x² - b² - 2 वाला। मतलब एडवांस ज़्यादा है, अर्थमेटिक ज़्यादा है? नहीं, एडवांस में 7 क्वेश्चन आए हैं। फेवर हुआ आपका, कैसा गया? क्वेश्चन अच्छा था, कहने का मतलब कि ज़्यादा हार्ड था ना, मॉडरेट क्वेश्चन था। कहने का मतलब है कि टाइम मतलब आदमी को समझ में नहीं आ रहा है, हम तो 72 किए हैं। और मैथ का क्वेश्चन भी बहुत मतलब समझिए कि इजी था, कि सब किसी से बनने वाला था। साइंस का क्वेश्चन कुछ डीपली था, कि मतलब आदमी को एक बाइक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम 72 अटैम्प्ट किए हैं। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। रीजनिंग में घड़ी से या कैलेंडर से कहीं प्रश्न देखने को मिले हैं? रीजनिंग में घड़ी से क्वेश्चन नहीं था, कैलेंडर से, डाइस से, मतलब थी कैलेंडर से था एक क्वेश्चन, कैलेंडर से एक क्वेश्चन था, और दिशा से क्वेश्चन था। दिशा से क्वेश्चन? हाँ, दिशा से क्वेश्चन था। और रक्त संबंध से? ना, ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं। अल्फाबेट से था? अल्फाबेटिकल हाँ था, इक्विलिटी था, हाँ यही क्वेश्चन था। ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं था, मॉडरेट था, एकदम बढ़िया था। आपका पेपर कैसे गया? अभी नहीं, सेकंड में। हम भी बताना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस। देखिए जितने भी हमारे साथी है भाई, जो भी आगे एग्जाम कंपटीशन में तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि जो लड़का थ्योरी मन से तैयार करेगा, थ्योरी पूरा कॉन्सेप्ट, वो कोई भी एग्जाम फाड़ देगा। बस मैं यही बताना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। प्रश्न क्या बताएं, पूरा थ्योरी जो मन से पढ़ा है वो पूरा फाड़ देगा। देखिए चैप्टर बता दीजिए, कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, क्या प्रश्न है। जो आर के झा का जो रीजनिंग है, जो उसका पूरा आ रहा है रीजनिंग, और 9-10 का जो विज्ञान की किताब है यूपी बोर्ड का, जो राजीव प्रकाशन, उसमें का पूरा थ्योरी में से पूछ रहा है। और लड़की जो मन से पढ़ी नहीं है, मैथ में कहाँ से प्रश्न? मैथ और डॉक्टर आर एस अग्रवाल का जो मैथ की किताब है, पूरा उसी में से आ रहा है। चैप्टर किस पे ज्यादा फोकस कर रहा है? चैप्टर तो क्या बताएं, बहुत क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए नाव धारा से था क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से था, साधारण व्यास से था, सीआई से प्रश्न था, सब था। बस मैं मेन बात ये बताना चाहता हूँ, जो लड़का थ्योरी नहीं तैयार करेगा, क्योंकि समय कोई एग्जाम नहीं करेगा। समय चूंकि बच्चों के पास समय कम है, ठीक है, चैप्टर पर फोकस, हाँ तो इस समय चैप्टर फोकस करें। देखिए टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, लेकिन देखिए मैं सब ठीक है, लेकिन मैं आगामी में बोलना चाह रहा हूँ कि जिसको भी कॉम्पिटिशन निकालना है, वो थ्योरी अच्छे से तैयार करे, वो कोई भी कॉम्पिटिशन निकाल देगा। बस पेपर कैसा गया आपका? अच्छा गया। कितना प्रश्न किए हैं? 79। कोई प्रश्न एग्जाम में आपको याद हो, साइंस का हो, जीएस का, संविधान का, या भूगोल का? हाँ, संविधान में आया था, जैसे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, जिसको 21 ए में छूट प्राप्त है,
और करंट अफेयर से कितने प्रश्न आ रहे हैं? लगभग वही 4-5 से 6 प्रश्न। कहाँ से करंट अफेयर प्रश्न आ रहे हैं? करंट अफेयर मतलब पहले का, जैसे 2020 का आया था, 2022 का भी आया था, वर्तमान का करंट अभी जल्दी का आया था 22 का। लगभग अच्छे क्वेश्चन हैं सब, ज़्यादा मतलब कठिन पेपर नहीं है, इजी था। तो मतलब और मैथ में कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं चैप्टर? मैथ में आज तो सीआई से आया, पहले सीआई से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, आज सीआई से आया, वर्क एंड टाइम से आया, और कई जगह से आया, जैसे उससे क्या बोल सिंप्लीफिकेशन और क्या। हाँ, और कोई प्रश्न? लेकिन इसमें नहीं आया था, वैसे थोड़ा ध्यान कम आ रहा है। कैलेंडर से कोई प्रश्न देखने को मिला? कैलेंडर से प्रश्न आया था, उसमें घड़ी से 24 जनवरी 2000 से घड़ी से आज नहीं आया था, आज नहीं आया था, पूछा जा रहा पिछले पेपर में।